Yes, ma'am. Good morning, sir. Good Good morning, ma'am. morning, Saumil. Hi, how are you? Sir, I'm fine. Sir, I have scored 98.54 percentile, अरे वाह, and my CRL is 14,340. 14,340. 40. Yes, sir. यस ठीक है। हाँ सर, आई बिलोंग टू दिल्ली, सर. सर, तो मेरे को सर ये डाउट आ रहा है कि DTO और IIIT दिल्ली में, DTO में आई एम गेटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोबेबली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग. ठीक है, एंड मैथमेटिक्स। सर, यस सर. ठीक है, और सर, IIIT दिल्ली में सर CSAI और CSE को छोड़ के बाकी ब्रांचेस मिली है, जैसे बायोलॉजी विद CS हो गया, या फिर सोशल साइंस विद CS हो गया, या अप्लाइड मैथमेटिक्स. बायोलॉजी विद CS ले सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आता है इसमें, या अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ले सकते हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स का उनका कोर्स देखा है क्या? सर मैथ्स, सर मैंने सुना है कि कॉलेज की काफी टफ है. मतलब सर, आई एम गुड इन मैथ्स, आई हैव स्कोर 98% इन मैथ्स, बट द पीपल आर सेइंग दैट द मैथ्स इन कॉलेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड इन 11th एंड 12th. Yeah, it's different. You'll have more excessive deep knowledge, like in terms of let's say different theorems. तो जैसे अभी तो हम आपको कंप्यूटर नॉलेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ जी सर, वो सर अप्लाइड मैथमेटिक्स जो वो इलेक्टिव्स के फॉर्म्स में आएगी थर्ड और फोर्थ ईयर में. हाँ, तो क्योंकि एक्चुअली कंप्यूटर का जो बेसिस होता है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स ही होता है। एक्चुअली कंप्यूटर इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ओके अगर सर, आप कंप्यूटर्स ले रहे हो और अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रहे हो, बट ये बात याद रखना फिर कि अगर कंप्यूटर में तुम्हें सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे उनके क्या क्या हैं, क्योंकि अगर आप फिर उसके बाद सोच रहे हो कि मैं गेट का एग्जाम दूं, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि नॉर्मल CS में कौन से सब्जेक्ट्स हैं और ये लोग क्या दे रहे हैं। तो और ये देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट्स वहां बच गए हैं जो गेट CS में पूछे जा सकते हैं। तो अगर तुमको M.Tech करना होगा फिर तुमको वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स अपने आप पढ़ने पड़ेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इट इज एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का मतलब ऊपर ही है, वो थोड़ा और वाइड डोमेन है उसकी। आप जैसे AI अच्छा वगैरह सर, में जाओगे तो यू विल हैव मोर एडवांटेज अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ के जाते हो। DTU में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल रही है, आप ये क्यों नहीं ले लेते? ये तो बहुत ही सेफ ऑप्शन है। DTO सर थोड़ा घर से ना 1.5 आवर दूर है, तो सर आने जाने में 3 घंटा वो वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा. और IIIT दिल्ली में सर हॉस्टल मिल सर जाएगा. PG पेरेंट्स थोड़ा मतलब डिनाई में है, उसका थोड़ा डिनाई में. हाँ देखो, तुम ये ले तो सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा आगे चल के तुम्हें क्या सोचा है? अभी जॉब ही मेन है। हाँ जी सर, अभी जॉब कोडिंग, मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट है सर, जॉब का ही है. नहीं, कोडिंग अगर तुम करते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ तो इन लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हर चीज उसी में है अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। तुम हार्डकोर कोडिंग में भी जा सकते हो। हार्डकोर मतलब यू कैन गो इनटू इवन डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंपाइलर्स और मेकिंग अ न्यू लैंग्वेज, ये सब अप्लाइड मैथमेटिक्स के थ्रू ही आता है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा आप ले सकते हो। अगर आप बायोलॉजी सर. लेते हो हाँ तो फिर आप जी बायो सर, इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ जाओगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग, इसकी तरफ जाओगे। बट वो तो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है यस आप सर. CS ले रहे हो तो आप जाओगे कोडिंग नहीं। लेकिन अगर आप आगे चाहो तो यू कैन गो, दिस हैज वेरी हाई स्कोप लाइक बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यू विल डेवलप टूल्स और यू विल डेवलप एल्गोरिदम्स जिससे आप बायोलॉजी रिलेटेड डेटा को एनालाइज कर सको। यस सर, ओके इट इज सर. और बहुत सर, डिजाइन अगर मिले CS के साथ, तो डिजाइन लेने में बेनिफिट है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स? सिस्टम डिजाइन है या केवल डिजाइन है? सर केवल डिजाइन है, कंप्यूटर साइंस में डिजाइन मेंशन है, और मोस्ट प्रॉब्ली उसमें उसमें लिखा था कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना, मतलब उससे रिलेटेड वर्चुअल रियलिटी, 3D एनिमेशंस, वो सब. लेकिन उसकी जो कंपनीज है वो कम है। मेरे हिसाब से अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हो, ये बहुत अच्छी फील्ड है। मतलब इसमें तुम अगर बाई चांस भी MS MS करने बाहर चले गए तो तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा। फिर तो इंडिया में भी सर कोई और प्रॉब्लम नहीं है। सर MS MTech, तो अगर मतलब मैंने सुना है IIIT दिल्ली में मतलब काफी वर्कलोड है पढ़ाई का, तो अगर मैं उसके बाद MS MTech करूंगा तो इतनी दिक्कत तो नहीं आएगी? मतलब जैसे नहीं गेट नहीं में टाइम नहीं मिलेगा, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। गेट और कैट की प्रिपरेशन करने से सर थोड़ा टाइम कम हो जाएगा क्योंकि वर्कलोड ज्यादा होगा, पर MS MTech में तो मतलब एज सच कोई दिक्कत आराम नहीं से, आएगी? कोई दिक्कत नहीं। MS के लिए तुम्हें GRE देना है, तुम आराम जी से सर, मतलब किसी भी सेमेस्टर में पढ़ के, एक सेमेस्टर पढ़ के दे सकते हो। एक सेमेस्टर से ज्यादा का काम नहीं है। ठीक ओके सर, ओके सर, बस यही डाउट था सर. है, ओके थैंक यू सोमिल, सर, बेस्ट थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर. ओके.